तो भांडेर से उस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां भांडेर तहसील के किसानों ने बिजली की समस्या को लेकर तहसील कार्यालय के बाहर किया चक्का जाम। भांडेर तहसील के किसानों ने बताया कि एक महीने से बिजली की काफी समस्या देखने को मिल रही है। कई किसानों ने तो ये तक कह दिया कि एक महीने से हमने बिजली देखी तक नहीं है। किसी परेशानी को लेकर किसानों ने ट्रैक्टर भर कर तहसील कार्यालय भांडेर के बाहर सड़क पर किया चक्का जाम। सूचना के बाद भांडेर विधायक प्रतिनिधि पहुंचे और किसानों ने खुलकर खरी खोटी सुना दी। हिंदुस्तान टुडे के लिए भांडेर से प्रमोद रजक की रिपोर्ट। मामला ये है कि ठाकुरों की घटना थी पिछली की, तो बिजली विभाग को हमने दिया बंदा और सब लोगों ने सूचना करी, जैसे कि लोकल क्षेत्रीय विधायक को भी सूचना करी, तो मतलब तीन पानी लगा तो वो एक पानी लगा काल की दूर है कभी काल नहीं लग गया पिछली बिजली में। अब धान को टाइम आ गया, धान के टाइम पर जो समय लोग बिल्कुल एक घंटा दिया दिन में आई ना रात में लाइट नहीं आ रही, बिल पूरा बटा रहा है उम्र है और आस पास के जो है मतलब जो कुछ भी हॉस्पिटल वाले लाइन में जो बिल ले जा रहे हैं लाइट क्यों नहीं दे रहे हैं। ये कब से चल रहा है? हर बारी से नहीं मिली मर जाए। हिंदुस्तान टुडे, जनता की आवाज़।